स्थगित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा फरवरी 19। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में कुछ ग्रहण किया। यहोशू 9 अध्याय का 14 पद। यहोशू और लोगों ने सोचा कि विनम्र और डरपोक गिबोनियों के साथ एक वाचा बनाने में कोई बुराई नहीं है, सो उन्होंने विनती करने वाली प्रजा पर कृपा और सहानुभूति जताने की इच्छा से परमेश्वर से सलाह किए बिना गिबोनियों से वाचा बांधी कि वे उन्हें नाश ना करेंगे। जिस प्रकार यहोशू ने परमेश्वर से पूछताछ करने और गिबोनियों के विषय में उसकी इच्छा जानने में विफल हुए, उसी प्रकार बहुत बार हम भी परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। यह परमेश्वर की संतानों का सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व प्रभु करें। उसने वादा किया है कि मैं अपनी दृष्टि के द्वारा तेरी अगुवाई करूँगा, भजन संहिता 32 का 8 पद। यह हम सभी के लिए गंभीर चेतावनी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले, चाहे वह पारिवारिक मामला हो या शादी या नौकरी, हम मार्गदर्शन के लिए प्रभु के पास आने का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रभु के पास जाना चाहिए। याद रखिए, यह संदेहास्पद विचार ठीक वैसा ही है जैसा यहोशू ने गिबोनियों के विषय में सोचा था। परमेश्वर के लोगों के रूप में आइए हम चेतावनी लें कि हम अपने संबंधों, अपने समुदाय, अपने दोस्तों या पड़ोसियों या किसी और के द्वारा शासित ना हों। केवल परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर की वाणी द्वारा शासित हों। अब परमेश्वर की इच्छा को खोजने में एक दिन या एक सप्ताह या 5 वर्ष या 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है। जो भी हो, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें जब तक कि वह आपसे बात करने के लिए प्रसन्न ना हो। भोर, दोपहर और रात दिन में बार बार प्रार्थना करना, नहीं तो आपका और आपके बच्चों की हानि होगी। यह नुकसान कई तरह से हो सकता है। सबसे पहले आप आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को समझने में सक्षम नहीं होंगे और प्रार्थना का आनंद नहीं ले पाओगे। आध्यात्मिक बातों में सुस्ती के कारण आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने में सक्षम नहीं होंगे। शत्रु आपके जीवन में अधिक से अधिक आधार बनाता चला आएगा। प्रभु आपको स्वर्ग में की मीराश देना चाहता है और तुझे संसार की सब जातियों से ऊंचा बनाना चाहता है। वह आपको वह सब देना चाहता है जो उसके पास है, उसका राज्य और उसका अधिकार। इसलिए कभी कभी वह आपको प्रतीक्षा करवाता है। यदि आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शत्रु के लिए खुर नहीं छोड़ना सीखना चाहिए। हर चीज में तुम्हें परमेश्वर द्वारा शासित होना चाहिए। यह एक दुख की बात है कि किस प्रकार प्रभु की बार बार की चेतावनियों के बावजूद बहुत से माता पिता धोखा खा चुके हैं और अपने बच्चों के भविष्य के विषय में गलतियां कर चुके हैं। कभी कभी उन्हें डर होता है कि उनकी बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और कोई उनसे शादी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से सलाह मांगे बिना जल्दबाजी में अविश्वासियों से भी शादी कर ली है। उनका तर्क है कि शादी के बाद बेटियां अपने पति का हृदय परिवर्तन करा सकती हैं। बड़े दुख के साथ हमें आपको चेतावनी देनी पड़ रही है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और आपका परिवार और वहीं बेटी कई वर्षों तक पीड़ित रहेंगे और आपके लिए बहुत दुख लाएंगे।